लकड़गंज पुलिस थाना अंतर्गत एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां बिल्डिंग निर्माण में मजदूरी कर रहे युवक ने नाबालिग के साथ अश्लील हरकतों को अंजाम दिया है, जिसके बाद बच्चे द्वारा शिकायत किए जाने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल लकड़गंज पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले पार्टी संभाग में स्थित कॉलोनी में निर्माण कार्य चल रहा है, जहां अंतर प्रदेशीय मजदूर भी काम करते हैं। उन्हीं में से एक इस मामले में दोषी पाया गया आरोपी, जिसका नाम अरमान हुसैन वल्द अबरार हुसैन उम्र 27 साल बताया जा रहा है। आरोपी रोज की तरह 16 जून की शाम अपने काम पर था। उसे बीच शाम 7 बजे के करीब वह लिफ्ट में चढ़ा, तब लगभग 8 साल का नाबालिग लिफ्ट से अपने रूम पर जा रहा था। वासना से भरे आरोपी अरमान हुसैन ने मौका देखते हुए बच्चे से अश्लील हरकतें चालू कर दी और बच्चे के आपत्तिजनक जगहों पर छूने लग गया, जिसके बाद जैसे तैसे बच्चा लिफ्ट से उतर कर अपने घर की ओर भागा और पीड़ित ने पूरी जानकारी अपने अभिभावकों को दी, जिसके चलते लकड़गंज पुलिस ने आरोपी मजदूर को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि आरोपी मूल उत्तर प्रदेश का है, तो फिलहाल काम के सिलसिले में पार्टी में रहता है। पोलीस स्टेशन लकड़गंज हल्दी मध्ये एका नवीन इमारतीचं कंस्ट्रक्शनचं काम सुरू आहे। तिथे आरोपी आहे अरमान हुसैन वल्द अबरार हुसैन, वय 27 वर्ष, तो प्रॉपर राहणारा उत्तर प्रदेशचा आहे, हल्ली पारडी येथे राहतो। त्याने जो अल्पवयीन पीडित आहे तो ट्युशनवरून त्याच्या घरी जात असताना लिफ्टमध्ये चढल्याच्या नंतर आरोपीने त्या पीडित मुलासोबत अश्लील कृत्य करून त्याच्यावर लैंगिक छळ करून सतावणूक केलेली आहे। हे त्याच्या घरच्यांना त्याने ज्या वेळेस माहिती दिली त्यानंतर त्याचे घरच्यांनी काल पोलीस स्टेशनला येऊन तक्रार दिली। त्या तक्रारीवरून आपण पोलीस स्टेशनला बालकांचे लैंगिक अपराधांपासून संरक्षण अधिनियमान्वये गुन्हा दाखल करून आरोपीस अटक करण्यात आलेली आहे आणि पुढचा तपास सुरू आहे। सदरचा आरोपी हा मोलमजुरीचे काम करतो आणि त्यावर याच्या पूर्वीचे कोणतेही गुन्हे दाखल नाही। वर्तमान में देश के कई इलाकों में कई स्थानों पर बाल यौन शोषण के मामले सामने आ रहे हैं। मानसिक तथा भावनात्मक स्तर पर किया जाने वाला यह शोषण बच्चे के अंतर मन में गहरा बैठ जाता है, जो धीरे धीरे समय के साथ कुंठा बनकर दूसरों के साथ यौन शोषण करने के लिए प्रेरित भी करता है। यह मनोविकार उसके जीवन का हिस्सा बनकर एक अपराध बोध का बोझ बन जाता है, जिस कारण बच्चे कई बार बड़े होने पर भी इस मानसिक ग्लानि से उभर नहीं पाते हैं, जो कि काफी बड़ा जघन्य अपराध है। लेकिन साथ ही हमें इस अराजक प्रवृत्ति से देश को बचाना है, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे, जिसके चलते समाज को सतर्क रहना जरूरी हो चला है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष डिमरी की रिपोर्ट।